दू चरण के चुनाव समाप्त भइला के बाद बिहार के राजनीति बड़ा अलग तरह से और खास करके थोड़ा ज्यादा गर्मी पैदा करे लागल। अब उ लोग मैदान में उतर गइल बा जौन पुरान और जानकार नेता कहल जाले। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जम करके दूसरा चरण से लेकर के तीसरा चरण के मतदान के पूरा तैयारी और अपना एनडीए के प्रत्याशी के जितावे खातिर एड़ी चोटी के जोड़ लगा दिले बड़े, वही उनका पर हमला भी कम नहीं होत। गोड़ लगा था नहीं, स्वागत पर बोला कि न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में जैसे कि रुआ लगातार देख रहा बनी और हमने के खबर रुआ लग तो पहुँचा रहा बन जा, वो आधार पर ये बात अब साफ हो गई बा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लड़ाई बिहार में लड़ रहा बा और एकर उनकर खामियाजे भी भुगते के पड़ता, ऐसे कि उनकर विरोधी उनका पर जम के हमला कर रहे और हमला करके यह कहते रहन काम के आधार पर ना मोदी के नाम पर वोट मांगत रहन नीतीश कुमार। शिवानंद तिवारी रुआ जानत तनी कि कभी उ नीतीश कुमार के बहुत करीब रहल बड़न और नीतीश कुमार के कुछ नीति के लेकर के उनका से अलग हो गई रहन। अब वो आरजेडी में बड़न, हालांकि वो राजनीतिक रूप से बाहर जाए के और राजनीति से संन्यास लेवे के बात कर दे रहन, लेकिन 2014 के चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव उनका के पुनः राजनीति में वापस ले ले और आरजेडी के उपाध्यक्ष बनौले और प्रवक्ता भी बनौले। अपना प्रखर और मुखर बात से शिवानंद तिवारी आरजेडी के पक्ष रखेले, एक हाली फिर वो नीतीश कुमार पर हमला करके जबरदस्त प्रहार कैले बड़े। इस प्रहार में नीतीश कुमार के सीधे सीधे तौर पर वो यह बात के कहत रहन कि नीतीश कुमार यह बीच में जब से वो महागठबंधन से एनडीए के तरफ गइल बड़न तब से वो कोई भी बिहार के विकास के काम निकन कैले, सिर्फ नरेंद्र मोदी के पिछ लग्गू बन के और उनका नाम के आधार पर वोट मांगत रहन, जबकि बिहार में ही संभव नहीं है। एक अलावे बहुत सारा बात लगातार नीतीश कुमार खातिर कहता रहन, वही नीतीश कुमार यह बात के लेकर के जनता के बीच में जाता रहन और जनता से कहता रहन कि हम आयल बानी मजदूरी मांगे, जौन हम पिछला समय में काम कैनी वो काम के मजदूरी हमरा चाहिए, मजदूरी के नाम पर हमरा के एगो वोट दही सब है। लगातार जैसे रुवालों के बता रहा बन जा हमनी के उस सीमांचल क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गहन चुनाव प्रचार में लगातार कैंप करके और प्रत्याशी के जितावे के प्रयास में लागल बा। दूसरा चरण में जदयू के पांचों प्रत्याशी रहन, तीसरा चरण में भी अब वो अपना पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दल के जो उनका साथ में बढ़ उनका चुनाव प्रचार में लाग गई बढ़। तीसरा चरण के चुनाव के प्रचार थम गई और ये प्रचार थमला के साथ साथ अब चुनाव के अंतिम प्रयास जारी बा। आज अररिया में नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं और प्रदीप सिंह के खातिर जनता से वोट मांगले। प्रदीप सिंह रुआ पता बा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाड़न। यह बीच में नीतीश कुमार का कहले रुआ को सुनाओ तनी। अररिया में चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार सीधे तौर पर कहले कि 5 साल में देश के मान सम्मान बढ़ल बा, विकास बढ़ल बा और सुरक्षा के प्रति लोग के नज़रिया बढ़ल बा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण यह देश अपना के सुरक्षित महसूस करता। एक साथ साथ ये भी कहले है कि महिला लोग के भी सम्मान और कल्याण दोनों नरेंद्र मोदी के सरकार में हो रहा बा। वो आगे का कहता रहे कि हमने अपने कार्यकाल में सड़कों का विकास किया, केंद्र सरकार ने भी 50,000 करोड़ की सहायता की, बिहार से पिछड़ेपन हटाने को मोदी जी का पीएम बनना दोबारा जरूरी है। सीएम नीतीश ने महागठबंधन पर एकरा साथ साथ नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और उनका सरकार के बड़ाई करते रहे। वो ये वो महागठबंधन पर हमला करे से भी नहीं खन चुकत। महागठबंधन पर हमला करते हुए वो सीधे तौर पर दो बात कहले हा कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है और कई खेमा बट गई बा, ऐसन स्थिति में महागठबंधन के वोट दे के वोट जाया करे के जरूरत नहीं है। अगर देश
और बिहार के विकास चाही तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के दोबारा बैठावल जरूरी बा। देखे वाला बात हुई कि नीतीश कुमार जौन बात जनता के बीच में रख रहा बड़े उसे जनता कितना प्रभावित होता रही। वही जौन उनका पर आरोप लागता लगातार कि वो आपन काम छोड़ के आपन बखान छोड़ के नरेंद्र मोदी के पीछे लगू हो गई बड़न, एकरा पर जदयू के तरफ से का प्रतिक्रिया आ रहा बड़ू है। जुड़े नहीं समय न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ चुनावी चर्चा जारी बा और चुनाव में नेता लोग के बयान और बोल वचन भी जारी बा। हर खबर से रुवा लोग के रूबरू करावत जा, फिर कोनो खबर आवता रुवा लोग के सामने हाजिर होता नहीं, गोड़ लगा नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।